पापा पापा मेरे को काम करना है। मेरे को काम करना है। बेटा जब तक हम जिंदा है तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, और ये इतने अच्छे संस्कार तुम में आ कैसे गए, क्या है इसकी वजह? पापा ये क्या अजीब हो गई सवाल पूछ रहे हैं आप। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, तुम्हें अभी काम करने की क्या जरूरत है बेटा। जिस तरह से आप पैसे कमाते हैं उस तरह से मैं भी काम करना चाहता हूँ और पैसे कमाना चाहता हूँ। सब कुछ सही है बेटा, लेकिन तुम्हारी उम्र क्या है? ना तो तुम्हारे पास पैन कार्ड या आधार कार्ड तो दूर लाइसेंस भी घंटा नहीं है, कैसे करोगे तुम काम? उसका टेंशन मत लीजिए, वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए ना, बस आप मुझे काम पर जाने की परमिशन दे दीजिए, बस आप बस इतना कर दीजिए। क्या कुछ भी बकवास किए जा रहे हो, समझ में नहीं आता क्या? बेटा तुम्हारी उम्र भी बहुत छोटी है। पापा वो मैं नहीं जानता, बस आप मुझे जाने की परमिशन दे दीजिए पापा, जाने की परमिशन दे दीजिए पापा। बेटा समझने की कोशिश करो, तुमसे नहीं हो पाएगा कुछ भी, समझो। पापा मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे परमिशन दे दीजिए पापा, मेरे को परमिशन दे दीजिए। नहीं बेटा अभी तुम छोटे हो, तुम हमारी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? समझ रहे हो तुम, अभी तुम छोटे हो, रहने दो ये सब सोचना, काम करना छोड़ दो। पापा मैं आ गया, अब मुझे काम दे दीजिए, मुझे काम करना है पापा, मुझे काम करना है। ठीक है बेटा हम तुम्हें देते हैं काम, हम तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न हुए, लेकिन बेटा काम करने के लिए जो होता है ना हमें अपना कार्य पूरा करना पड़ता है, तुम्हें पढ़ना पड़ता है, उसके लिए एक डिग्री चाहिए वो लेनी पड़ती है, वो क्या है ना हम अभी तुम छोटे थे, अब तुम 25 साल के बाद आए हो, तुम बड़े हो गए हो और पढ़ लिख कर कामयाबी को प्राप्त कर सकते हो, इसलिए हमने तुमसे ये हम तुम्हें मना कर रहे थे, किसी भी नौकरी को ऐसे नहीं ले सकते बेटा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हम मना।